आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, हेडमास्टरनी महोदय जी, सारे साथी शिक्षक और सारे प्यारे बालकों ने हरियाणा दिवस की राम राम। जिसा हम सब जाना था, 1 नवंबर 1966 में यो हमारा प्यारा हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग करके एक नया प्रदेश घोषित कर दिया था। जब से लेके आज लग 1 नवंबर में हम हरियाणा दिवस के रूप में मनाया करा। और यो तो सब ने बेरस है, हम हरियाणा वासी खुशी मनाने में पछ नहीं हटा करा, मौका नहीं छोड़ा करा एक भी। कल की छुट्टी थी तो हम अपने हरियाणा का हैप्पी बर्थडे आज मनाऊंगी। मैं आज अपने आप में बहुत भाग्यशाली महसूस करूँ छूँ कि अपने देश के अलग अलग प्रांत से आने वाले अपने साथीगण और इन प्यारे बालकों के सामी आज मैंने अपने प्रदेश के गौरव का अपनी बोली में बखान करने का मौका मिला है। हरियाणा प्रदेश के नाम का अर्थ है हरि का स्थान, यानी जड़े भगवान बसे हैं। कृष्ण जी ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर दिया था। हरियाणा की महिमा का गुणगान करना जनु गागर में सागर भरना। हर लिहाज से हर क्षेत्र में हरियाणा उगते सूरज की डाला चमकस। सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी का हिसार, कौरवा के टाइम का कुरुक्षेत्र, अकबर बाबर वाला पानीपत, राजा हर्षवर्धन का थानेसर, यो सारा ऐतिहासिक गौरव हरियाणा अपनी जोड़ी में समेटे बैठा। हरियाणा किसानों का देश है, जड़े रात दिन एक करके किसान भाई बंधु पूरे देश के नाज के कोठार भरण में और देश की अर्थव्यवस्था के सारे आयाम मजबूत करण में सप्ताह गरे से। अपने हरियाणा की आन बान, उसकी शान सब आड़े के लोगों में, खेता में, खान पान में, रहन सहन में झलकस। दूध दही और चूल्हे की रोटी, उस पर नूनी घी का स्वाद इस जन्म में तो भूले नहीं जागा। ना भूले जा घेर बढ़ाई, ना कुड़बे की मान बढ़ाई, ना भूले जा राग रागनी, ना भूले जा गीत फागनी। और गीता की बात करूं तो इतनी वैरायटी है हरियाणा में गीता की कि अड़े की नार जब इलेक्शन में वोट गेरन जावा है, जब भी गीत गाती जावा है। हरियाणा की सामाजिक शक्ति उसके गामा में, उसकी आर्थिक शक्ति उसके खेता में और उसकी राष्ट्रीय भक्ति बॉर्डर पर देखते ही बना है। कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, खेलकूद, राजनीति, धर्म, दर्शन, इन सारी चीजों में हरियाणा की छवि दिन ब दिन पूरे विश्व में निखरती जान लग रही। कितने इनामा की लिस्ट रोशनी अपने हाथ में लिए खड़ी है, जिनका जिक्र जितनी बार करा उतनी बार शब्द कम पड़ जा। मैं बहुत धन्य महसूस करूँ छू कि इस प्रदेश में मैंने जन्म लिया और इसकी गौरव गाथा का गुणगान करने का मौका मैंने आज मिला। एक हरियाणवी होने पर मन्ने गर्व से और मेरी परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना से कि मारा हरियाणा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे और पूरे विश्व में सूरज और चांद की तरह सदा चमकता रहे। रोशनी सोचती होगी मैम सब कुछ आप बोल दोगे तो मैं क्या बोलूंगी। इस बात का ध्यान रखते हुए लास्ट में 2 लाइन ऐड करके मैं अपना स्थान लूंगी। राजस्थान टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म लोगों ने अट्रैक्ट करा है मीडिया के थ्रू के कुछ दिन बिताओ राजस्थान में, कुछ दिन बिताओ गुजरात में। वह मैसेज आज अपने साथी गण जो दूसरे प्रदेशा तक आके यहाँ रहने लग रहे हैं, वो सारे प्यारे बच्चे और उनके माता पिता सब तैयार है, एक न्योता देते हुए मैं अपनी बात पूरी करूंगी कि कुछ दिन आके वो हरियाणा में भी बिताऊ। मैं 2 लाइन में बोलना चाहूंगी। धन्यवाद। 2 लाइन में लास्ट में बोलना चाहूंगी, देशा में देश हरियाणा आगे बताओ। देशा में देश हरियाणा कदे टैम काट के आना, दो सेवा का मौका ठेठ गामा में समय बिताना। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा।